नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। इंदौर शहर उपलब्धियों का शहर है, चाहे लगातार 5 बार स्वच्छता में प्रथम आने की बात हो, IIM, IIT जैसी बात हो, तमाम सारी उपलब्धियां इंदौर के साथ है। लेकिन पिछले कुछ समय से, जब से शंकर लालवानी इंदौर के सांसद बने हैं, हर 2-3 महीने में एक नई योजना इंदौर को आकर मिलती है और वो योजना भी कहीं ना कहीं जनता के लिए काफ़ी सुविधाजनक और आशा भरी होती है। बहरहाल, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं, वो सबसे बड़ा सवाल इंदौर शहर के लिए, सबसे बड़ी उपलब्धि अगर इंदौर शहर के लिए, तो इंदौर के रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण होने जा रहा है। ये आधुनिकीकरण कैसे होगा और क्या इसके पैरामीटर्स होंगे, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर के लोकप्रिय सांसद शंकर लालवानी। शंकर जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बधाई कि आप इस योजना पर काम कर रहे हैं और ये योजना निश्चित तौर पर जो आप लगातार प्रयास कर रहे हैं जल्दी ही सफल होगी। इस योजना के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि देश में जो आम व्यक्ति है, क्योंकि हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा यात्रा करने वाले लोग हैं वो ट्रेन के माध्यम से यात्रा करते हैं, और रेलवे स्टेशन अच्छा होना चाहिए। हमने देखा पिछले वर्षों में किस प्रकार रेलवे स्टेशन स्वच्छता में एकदम आ गया है। एक समय वो था जब रेलवे पटरी के आगे हम देखते थे सवेरे सवेरे क्या दृश्य रहता था और चारों तरफ रेलवे स्टेशन में कचरा था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता के आह्वान के बाद सभी रेलवे स्टेशन स्वच्छ हुए। लेकिन उनका ऐसा मानना है कि हमारे जो यात्री हैं, चाहे वो गरीब वर्ग का हो, मध्यम वर्ग का हो, या जो भी यात्री हैं, उनको अच्छी सुविधा मिलना चाहिए, और उसको लेके उन्होंने ये कहा कि जो एयरपोर्ट पे सुविधाएं हैं वो रेलवे स्टेशन पे क्यों नहीं मिल सकती। और इसी में हमने देखा कि पिछले दिनों देश के 2 रेलवे स्टेशनों का मॉडर्नाइजेशन हुआ, और उसमें हमने देखा कि नए नए सभी सुविधाएं जो एयरपोर्ट पे थे, जो खास करके हमने भोपाल में कमलापति रेलवे स्टेशन में भी देखा था। पिछले 2 वर्षों में लगातार माननीय मंत्री जी से इस विषय को लेकर मिल रहा था कि इंदौर को भी हम आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाएं, और माननीय मंत्री जी की भी मंशा थी इंदौर स्वच्छता में लगातार बना रहा है, मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी बिल्कुल होना चाहिए। तो पिछले कुछ समय से सर्वे भी हुआ और सब जो जानकारी थी वो भी इकट्ठी की जा रही थी। हाल ही में लगातार सर्वे के बाद उसके लेकर किस प्रकार का रेलवे स्टेशन होना चाहिए मंथन हुआ विशेषज्ञों के साथ, और अंततः माननीय मंत्री जी ने उस प्रोजेक्ट को पूरा देख के स्वयं, मैं इस बात की तारीफ करूंगा, हमारे जो रेल मंत्री हैं उन्होंने स्वयं उस प्रोजेक्ट को देखा और उसमें जो जो आवश्यक निर्देश थे वो दिए, और अंततः वो प्रोजेक्ट रेलवे से फाइनल हुआ। और अब वो फाइनल होके जनरल मैनेजर वेस्टर्न रेलवे को भेजा गया है। वहाँ की जो हमारी सिविल विंग है, वह सिविल विंग उसको टेंडर निकालेगी और टेंडर निकाल के सिग्नल बुलाएगी और सेंक्शन होने के लिए जब रेलवे में जाएगा और उसके बाद फिर इसके काम शुरू होगा। पर इन सब प्रक्रियाओं में मुझे लगता है कि लगभग 4-5 माह लगेंगे, क्योंकि बहुत प्रोजेक्ट बड़ा है। सही बात। और इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी ऐसी आवश्यक चीज़ें हैं जो एक एयरपोर्ट के तर्ज पर रेलवे स्टेशन पर होना चाहिए। अगर हम बात करें इस रेलवे स्टेशन की, तो इनको एक कॉम्प्लेक्स के साथ जोड़ा गया है। हम देखें कि जो रेलवे स्टेशन के सामने रिजर्वेशन काउंटर है या रेलवे कॉलोनी है, सरदार पटेल तक की जो रेलवे की बाउंड्री है, वहाँ से लेकर इधर यूनिवर्सिटी की बात करें, तो ये पूरा जो एरिया क्षेत्र है वो रेलवे स्टेशन के साथ जुड़ेगा और पूरी बिल्डिंग नई बनेगी, और इसमें हाई राइज बिल्डिंग भी रहेगी। एक साइड रेलवे की बिल्डिंग रहेगी, उसके सामने कमर्शियल और मल्टीप्लेक्स और लॉजिंग बोर्डिंग जो आवश्यक है वो सब रहेंगे, और दोनों की कनेक्टिविटी भी रहेगी। बीच का जो रोड है वो उसको वैसे ही रखा गया, उसको और चौड़ा करेंगे, लेकिन जो कनेक्टिविटी रहेगी वो ऊपर स्काई वॉक जो है उसके माध्यम से रहेगी, ताकि रोड पर ट्रैफिक का लोड ना पड़े, उसको ध्यान में रख के ये योजना बनाई गई है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखा गया है कि इसको मेट्रो के साथ जोड़ा जाए, और मेट्रो से भी उसको कनेक्ट किया गया है, और दूसरी तरफ जो हमारा सरवटे बस स्टैंड है उससे भी इसको कनेक्ट किया गया है। तो यात्री अगर बस से आते हैं तो रेल तक पहुंच सकते हैं, अगर यात्री बस से रेल के यात्री मेट्रो तक पहुंच सकते हैं, तो इंटर कनेक्टिविटी का भी पूरा ध्यान रखा गया है सुविधाओं का यात्रियों की, और इसमें सर्व सुविधा रखती है। लेकिन जो इसकी प्लानिंग जो हम जब करने बैठे थे, मुझे बताते हुए खुशी है कि आने वाले 50 सालों में जो आवश्यकता होगी रेलवे स्टेशन की, हम मान के चल रहे हैं जो कैलकुलेशन है कि 2070 में 12,000 पैसेंजर पर आवर पीक टाइम में, 1 घंटे में 12,000, तो अगर मल्टीप्लाई करें तो लाखों में होंगे। इस कैपेसिटी का रेलवे स्टेशन बना रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को भी ये रेलवे स्टेशन सुविधाजनक हो,
उनमें उन सभी बातों का ध्यान रखा गया जो आने वाले समय में इसके आवश्यक हो। बहुत विस्तार से इस रेलवे स्टेशन के बारे में सांसद शंकर लालवानी जी ने बताया है। भोपाल रेलवे स्टेशन को देखने के बाद आपको इसकी प्रेरणा मिली ऐसा लगता है मुझे? जी, मुझे पहले से ऐसा लग रहा था जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम रेलवे स्टेशन को भी सौंदर्यीकरण करेंगे, तो तब से लग रहा था कि इंदौर का होना चाहिए। और मुझे बताते खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृति दी। मैं इंदौर की देवतुल्य जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, माननीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद, और उन्होंने उन सब बातों का ध्यान रखा है। जो पार्किंग है, जो सबसे बड़ी समस्या आज के समय की, वो पार्किंग पूरे रेलवे स्टेशन के नीचे अंडरग्राउंड रहेगी। इतनी बड़ी पार्किंग रहेगी कि आपको ग्राउंड लेवल पर वाहन नहीं दिखेंगे। तो जो जो आवश्यक हो सकता है वो सब उसमें ध्यान रखा गया है। और मुझे लगता है एक देश में विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन इंदौर में बनेगा। आप एक इंजीनियर हैं, नेता भी हैं, और अपने काम को करवाने की क्षमता आपने काफ़ी अच्छी है, तो इन सब तीनों चीज़ों का जो समावेश था उससे चीज़ें आसान हुई हैं? देखिए, जब इस रेलवे स्टेशन की स्वीकृति की बात आती है तो माननीय मंत्री जी की स्वीकृति लगती है। मंत्री जी से लगातार संपर्क में थे और मंत्री जी ने ये कहा था कि इंदौर का होना चाहिए। पर जब तकनीकी बिंदु आते हैं तो जब जो एजेंसी है या जो सर्वे कर रहे हैं, जो कंसल्टेंट हैं, उनको इनपुट की बात आती है तो हम उनके साथ बैठ के भी बात कर रहे थे। ऐसा नहीं कि एक सांसद है तो उनके अधिकारियों या कर्मचारी के साथ क्यों बैठे, हम उनके साथ भी ऐसे बैठे रहते कि जैसे हम इंदौर के एक नागरिक हैं, क्या अच्छा हो सकता है। हमने भी उनका, और मैं तो माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से रुचि दिखाई और रुचि दिखा के वो सब इनपुट उन्होंने डाले जो इसके लिए आवश्यक है। तो एक तकनीकी व्यक्ति होने के कारण इसका फ़ायदा तो मिलता ही है, लेकिन हमारे मंत्री जी भी तकनीकी हैं, वो उसका फ़ायदा मुझे ज़्यादा मिला। सही बात है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बारे में हम बात करें तो निश्चित तौर पर वे काफ़ी सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं, और कई सारे वीडियो उनके सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं जब वो सामान्य यात्री से जाकर बात करते हैं, इंजन में सवार होकर यात्रा करते हैं, तमाम सारी चीज़ों का। वो दुर्घटना के संभावित क्षेत्रों में जाते हैं और क्या दुर्घटना कैसे रोकी जा सकती है, ये भी एक हिम्मत और साहस का काम है, वे स्वयं करते हैं जाकर, तो निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है। और इसी तरह के जब राजनेता आगे आते हैं तो जनता की समस्याओं को हल करने में काफ़ी मदद मिलती है। बहरहाल, इस प्रोजेक्ट की अगर हम लागत की बात करें इंदौर के रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण को लेकर, तो वो कितनी है? देखिए, अभी टेंडर इसके बनेंगे और टेंडर बनने के बाद उसकी लागत की जानकारी मिलेगी, पर मुझे लगता है टेंडर आने के बाद एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा कि क्या स्थिति है इसकी। पर जो संभावना व्यक्त की जा रही है वो लगभग 2000 करोड़ के आसपास की। 2000 करोड़ के आसपास की। तो इन सब कामों के लिए फंड्स का जो है क्या अरेंजमेंट रेलवे पूरा करेगा या कुछ और सोचा गया है? नहीं, इसमें कमर्शियल एक्सप्रेस है, वो रेलवे उसमें कर जाएगा कि जो कमर्शियल एरिया है उसको किस प्रकार से करें, उसको लेके ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। आपने आने वाले 50 वर्षों को लेकर इस प्लान को बनाया है, और अगर हम इसको माने कि 4 से 5 माह है टेंडर फ्लोट होने में लगेगा, और इस पूरे काम को पूरा होने का समय कोई सीमा? देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार पुराना अनुभव है, 3 साल का हम मान के चलें, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन वर्किंग में भी है तो रेलवे स्टेशन में बंद नहीं किया जा सकता, इसलिए 3 साल का समय लगने की संभावना है। रेलवे की ज़मीन तो आसानी से उपलब्ध हो जाएगी क्योंकि रेलवे की ज़मीन है, उसी पर काम हो रहा है। विश्वविद्यालय की ज़मीन को लेकर क्या वहाँ भी कुछ सहमति? नहीं, देखिए, ये प्रोजेक्ट पूरा जो बना है ये रेलवे की खुद की ज़मीन का बना है। उसमें रेलवे कॉलोनी है, रेलवे के ऑफिस हैं, रिजर्वेशन काउंटर है, बाकी जो गोडाउन है सबको मिला के उन्होंने बनाया, तो कहीं भी उन्होंने कोई दूसरी प्रॉपर्टी को इन्वॉल्व की नहीं है, क्योंकि उसमें फिर समय लगता है लेने में, करने में। इसलिए रेलवे ने अपनी जो, हम अगर हम बात करें रेलवे स्टेशन, उसके सामने रिजर्वेशन काउंटर है, रिजर्वेशन काउंटर इधर रेलवे की कॉलोनी है, ये पूरा एरिया जो हम देखें पटेल ब्रिज के से लगा हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा तक जी, और उधर घूमता हुआ यूनिवर्सिटी की बाउंड्री के इस पर, रोड के इस पर, तो ये पूरा जो एरिया है ये पूरा रेलवे का है, और उस रेलवे अपनी प्रॉपर्टी में ये पूरा प्रोजेक्ट बना रहा है। काफ़ी विस्तार से इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी ने आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया। इंदौर के लिए एक बड़ी उपलब्धि, आने वाले 3 से 4 वर्षों के अंदर आप देखेंगे कि इंदौर का रेलवे स्टेशन विश्व के कई अच्छे रेलवे स्टेशनों में शुमार होगा। बहरहाल, एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद है कि आपका प्रोजेक्ट के सपना जल्दी साकार हो। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।